please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जी अच्छा वैसे आइडिया एक मेरे पास भी था लेकिन मैंने वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट पे आइडिया गलती से चुन लिया और वो वीकनेस आ गई उस स्टॉक में 10 रुपए के नीचे स्लिप हो गया तो अब मैं उसकी बातचीत नहीं कर रहा हूँ. नीरज जी आप ही एक आइडिया दे दो. नहीं तो नया आइडिया क्या आपके पास? अब इतनी समय रहा नहीं, अब बिना सोचे भी लाना भी गलत बात थी इसलिए मैंने छोड़ दिया है. अब मैं कल के खिलाड़ी आज पे फोकस करूंगा. ओके तो चलो एक नया खिलाड़ी आज उतारते हैं माहौल. सरकारी कंपनियों में तेजी का है तो सरकारी कंपनियों में आज हमने चुना है HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स. बहुत ही शानदार कंपनी है इस लिहाज से कि आप अभी देखेंगे तो पिछले साल तक भयंकर नुकसान कर रही थी. मतलब जैसे सरकारी कंपनियां सब करती हैं तो वैसे इसमें तगड़ा नुकसान था. 242 करोड़ का रेवेन्यू के सामने 200 करोड़ का नुकसान, मतलब 199 करोड़ की भयंकर लॉस मेकिंग कंपनी थी. लेकिन Q1 में चमत्कार किया इस कंपनी ने और 146 करोड़ के आमदनी के सामने 40 करोड़ का मुनाफा दिया. तो पूरी तरीके से टर्न अराउंड हुई है Q1 में कंपनी HOCL. अब कंपनी करती क्या बेसिकली इसको समझिए. ये एक स्पेशलाइज्ड केमिकल बनाने वाली कंपनी थी जो दवाओं के लिए, डाई स्टफ के लिए, वेटरनरी मेडिकल्स के लिए, इन सब के लिए वो केमिकल बनाती थी. सरकारी यूनिट थी, जो छोटी सी यूनिट थी, 40-50 साल पहले शुरू की गई थी. लेकिन चूंकि जैसे सरकारी चलती वैसे धीरे धीरे अपना चलती रही, एक तरीके से मरने की स्थिति में पहुँच गई थी. इसको सिक यूनिट की तौर पर देखा गया. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और थैंक्स टू चाइना, वो जो केमिकल वाली स्टोरी चाइना की, जब वहाँ सब बंद बंद हुए तो भारत में जो मरी गिरी सारी कंपनियों में रिवाइवल आया उसका फ़ायदा इसने उठाया. और चूंकि बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है दिल्ली में तो उन्होंने इसको सपोर्ट भी किया और कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई, पूरी तरीके से रिवाइव हुई. रेयर कंपनी होंगी सरकारी सेक्टर में जो घाटे से मुनाफे में आ गई, तो उनमें से एक ही है. अब इसके पास 5-6 यूनिट हैं, देश विदेश में कारोबार बढ़ा रहे हैं और सरकार की तमाम योजनाएं जो चल रही हैं इस दिशा में उसमें भी ये सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. तो उसकी वजह से हमको लगा कि इस स्टॉक पे नज़र रखनी चाहिए. बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, टर्नराउंड पूरा. Q2 में भी इससे भी बेहतरीन नतीजे आने की उम्मीद है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% के आसपास चल रहा है, नेट प्रॉफिट 27% पर चल रहा है, 6 रुपये का EPS है. स्टॉक अभी मुझे दिख नहीं रहा, आप 40 रुपये के आसपास शायद ट्रेड कर रहा होगा तो आप उससे निकालेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी काफ़ी बेहतर दिख रहा है. तो HOCL नया खिलाड़ी अभी के लिए. बिल्कुल, और तेजी 5% का उछाल, आप सही कह रहे हैं, 40 के आसपास 38-50 के लेवल्स पर इस समय हो रहा है कामकाज. मजबूती तगड़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है और टर्न अराउंड स्टोरी जो नीरज हाईलाइट कर रहे हैं. अच्छा किरण सर, क्विकली HOCL, ये बड़ी तगड़ी रेटिंग हुई थी बीच में सर, उसके बाद एक नैरो बैंड में कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, अगले मूव की तैयारी है क्या ये? ऐसे ही लग रहा है. और जिस तरीके से कल फर्स्ट हाफ में एक अच्छी मूव आई उसके बाद कंसोलिडेशन था और आज वापस वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. मेरा मानना है कि इधर से और जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं नीचे से बहुत ही स्ट्रांग है. तो आपको स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 149 पे ट्रेड कर रहा है, 146 का स्टॉप लॉस रहेगा. और टारगेट्स के लिए, पहले टारगेट्स के लिए हम बात कर सकते हैं 153 की और सेकेंड जो रेजिस्टेंस है वो 156 के लेवल्स है वो टारगेट. ये नीरज ने तो सर 38 रुपए का स्टॉक बताया है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स HOCL. एक मिनट सॉरी मैंने गलत बताया, वो भी पिक बता दीजिए कौन सी है सर. HOEC है वो. HOEC तो नहीं बता दिया? हाँ HOEC मैंने बता दिया. वो भी पसंद आ रहा है ना, एक बार उसको भी दिखा दें फिर. HOEC अच्छा है. ठीक है, HOCL पे कॉल क्या है सर? HOCL नहीं, मेरे पास उसके चार्ट्स नहीं है तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा. हो सकता है सिर्फ BSE लिस्टेड होगा, इसीलिए कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट के पास BSE के चार्ट्स नहीं नजर आते हैं. तो HOCL, लेकिन फंडामेंटली नीरज ने पूरी स्टोरी बता दी है, ये नीचे अनचेंज दिखा रहा है. दरअसल ये स्टॉक एक बार एक्टर ऊपर फायर करें, 5% ऊपर नीचे वाले टिकर वाला प्लीज रिवाइज करें इसको, ये गलत दिखा रहा है. ऊपर 5% की मजबूती के साथ इस समय स्टॉक में कामकाज होता हुआ.